फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मेनली तीन फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है, जो कि पहला हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर, दैट मीन कि ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसमें इंक्लूड फिजियोकेमिकल एंड फॉर्मुलेशन फैक्टर्स भी इंक्लूड है, जैसे कि किस पीएच पे रखा है, कौन सा ड्रग क्या है, फॉर्मुलेशन इतनी कि ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स है, ये फार्म इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड ये फैक्टर्स हमारे बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए ये चीफ क्वालिटी का ड्रग दे, चीफ क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल यूज करें, इसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दे तो अच्छा बायोअवेलेबिलिटी देगा। तो सेकंड है हमारा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में जैसे कि एज क्या है, एज है उसका, जेंडर क्या है, अदर भी अदर उसका पेशेंट स्टडी क्या है, मतलब उसका डिजीज कंडीशन क्या है, और सर पेशेंट रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उस रिलेटेड पे ये हमारे बायोअवेलेबिलिटी भी फैक्टर्स से पड़ेगी। और हमारा थर्ड है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन से रूट पे हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से मेनली रूट लेते हैं, एक हम ओरल लेते हैं, फिर आईवी, आईएम, फिर रेक्टल लेते हैं, रेक्टल रूट, फिर और हमारा है फिर सबट्रोपिकल, कि कौन सा रूट से हम लेते हैं ये भी हमारे बायोअवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। हमारे 100% जो बायोअवेलेबिलिटी होगा वो हमारे आईवी पे, मतलब कि इंट्रावेनस पे हमारा 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी का डेफिनेशन ही आपको क्या कहता है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, मतलब कितने समय में और कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी में पहुंच रहा, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह लीजिए या तो फिर ब्लड सर्कुलेशन। तो आईवी में क्या होता है कि डायरेक्ट हम तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं देते, तो इसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। और इसका एक्शन देखे थेरेपेटिक एक्शन का ग्राफ, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा।